आप लैपटॉप और खाली मोबाइल चार्ज करते हो, इससे आप खाना भी बना सकते हो। तो ऐसा कौन से प्लान है वाली एम जी? तो वास्तव गाइस कैसे हो, हेलो नमस्ते, जय जवान, आई होप यू डूइंग ग्रेट, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अभी मैं आया हूँ एम जी हॉल में, मतलब एम जी की जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ पर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी वाली गाड़ी जिसका नाम है विडगेट, उसको पहले दिखाते हैं, फिर इसका इकोसिस्टम बताएंगे, फिर चार्जिंग ऑफ कितनी तरह के चार्जिंग है वो सब बताएंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ सबसे छोटी गाड़ी, ये देखिए, इसका नाम है विडगेट। बहुत ही छोटी गाड़ी है ये, ग्रीन कलर की, एकदम मस्त क्यूट सा है, छोटा सा। तो अभी चलते हैं इस जगह पे, प्लग इन हाइब्रिड कार है ये, ये है EHS प्लग इन हाइब्रिड कार। और जनरली आपने देखा होगा कि रिचार्ज योर सेल्फ, मतलब ये गाड़ी ऐसा है कि अपने आप प्योर रिचार्ज होती है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में है, मार्वल आर करके गाड़ी का नाम है ये। कलर इसका एकदम यूनिक है, एकदम ग्रे कलर में है, ज़बरदस्त लग रही है, रिचार्ज योर सेल्फ। तो स्कैन करके यहाँ पे ना पूरा जानकारी ले सकते हैं गाड़ी के बारे में, तो अच्छा चीज़ कर दिया गया है। यहाँ पर देखो ईवी का इकोसिस्टम दिखाया गया पूरा, कि किस तरह का ये HV बैटरी पैक रहता है, नीचे पैनल पे लगा रहता है, व्हील कहाँ कहाँ पर प्लेस रहते हैं, बैटरी कहाँ कहाँ पर है, सब चीज़ें दिखाई दी, इंजन कहाँ पर है, उसका मोटर मतलब कहाँ पर है वो दिखाया गया। तो यहाँ पर इकोसिस्टम को बताया गया है ईवी गाड़ियों के लिए। अब चलते हैं कि कितने तरह के चार्जिंग है। तो 6 वेज ऑफ चार्जिंग रहते हैं यहाँ पर, 6 तरीके से चार्ज कर सकते हो अपनी गाड़ियों को। यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है, पोर्टेबल चार्जिंग केबल है, वो पावर केबल है, एंड यहाँ पर और है कम्युनिटी चार्जर है, देन पेट्रोल फ्यूल, जैसे पेट्रोल पंप में रहता ना फ्यूल फिलअप करने का, उस तरह का चार्जिंग डिवाइस है। तो इस तरह का 6 वेज है से आप चार्ज कर सकते हैं। अब दिखाता हूँ मैं एक और अच्छी गाड़ी, MG5। ये ऐसी गाड़ी है जो मतलब खुद ही पावर प्रोड्यूस करती है, मतलब इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है, जिससे आप कुछ डेली की चीज़ें पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक कार, तो यहाँ से आप कुछ खाना वाना बना सकते हो। तो इस तरह से है ये, तो इस तरह से देख सकते हो आप, अगर ये दरवाज़ा ओपन है तभी आप मतलब यहाँ से पावर ले सकते हो, अगर दरवाज़ा बंद हुआ तो आप पावर नहीं ले सकते। सिर्फ पावर जा रही है इस तरह से, मतलब आप लैपटॉप और खाली मोबाइल चार्ज करते हो, इससे आप खाना भी बना सकते हो। तो ऐसा कॉन्सेप्ट लाने वाली है MG फ्यूचर में। ये कलर की गाड़ी ज़बरदस्त लगे, ERX5 SUV है, इलेक्ट्रिक PHEV, इसका क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं आगे। मस्त कलर लग रही है, ज़बरदस्त प्लग इन हाइब्रिड, ये हाइब्रिड कार है भाई, खुद ही चार्ज करती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है बट हाइब्रिड में, तो मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसके बारे में हम देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मतलब फ्यूचर जनरेशन की गाड़ियों को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट 4-व्हील ड्राइव, मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है ना, अगर आप इसको ऑफ रोड करते हैं या फिर इंक्लाइंड होकर भी चलाते हैं इस कार को, तो थोड़ा सा ये क्या इंटेलिजेंट फीचर है इसमें, आपकी गाड़ी पलटेगी नहीं, इस तरह का फीचर है। देखो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया, ये है ग्लोस्टर, मतलब इसमें जैसे ऑडी Q7 वगैरह Q5 में जो आती है टेक्नोलॉजी, अगर ऑफ रोड भी करते हो तो ये गाड़ी मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है इसमें। तो ये है MG ग्लोस्टर, इवन इसमें एडास फीचर दिया हुआ है, इनबिल्ट कर दिया गया है, वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, मतलब सारी टेक्नोलॉजी यूज़ है इसमें, इंटेलिजेंट है, मतलब ऑटो पायलट की तरह भी ये चलेगी, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर। तो मज़ा आ रहा है नए नए चीज़ों को देखने के लिए, ऑल दो हमारे लिए बहुत पुराना है जनरेशन, या फिर फॉरेन में बोलोगे तो आगे बढ़ चुका है ये, लेकिन हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी अब फ्यूचर में आने वाली है भाई। ये स्पोर्टी इलेक्ट्रिक, मतलब स्पोर्ट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल, MG4 इसका नाम है, काफ़ी सही लग रही लुक इसका, देखो
काफ़ी ज़बरदस्त कलर है, मेरा फेवरेट कलर है। अगर स्पोर्ट्स बाइक स्पोर्ट्स कार लेते सॉरी स्पोर्ट्स कार लेते तो एकदम रेड चेरी कलर ज़बरदस्त। और जो ब्लैक ब्लैक में जो पीछे का जो पैच है वो अच्छा लग रहा है स्पॉइलर। ये जो आप गाड़ी, इट्स ए ह्यूमन थिंग, ऑटोनोमस लेवल टू, मतलब लेवल टू का यहाँ पे ऑटोमेटिक कार है ये। एडास फीचर लेवल टू है इसमें, सेफ्टी फीचर्स भी बहुत तगड़ा है इसमें। तो ये है द नेक्स्ट जनरेशन हेक्टर, सबसे बेहतरीन कलर में लॉन्च करने वाली है ये। इसमें ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये थोड़ी सी सिक्स सीटर सेवन सीटर भी है, ये एसयूवीज है। बूट स्पेस देखते हैं पीछे का, और ये वन टच क्लोज भी होती है पीछे का जो डोर है। लुक तो पीछे से एकदम तबाही लग रही है, ऐसा लग रहा है MG का पेटेंट कलर हो गया इस तरह का रेड चेरी कलर। ये है ZS EV प्योर इलेक्ट्रिक। लेवल टू टेक्नोलॉजी मतलब बोले तो ये प्योर ऑटोमेटिक का और एक लेवल है ये, अलग अलग लेवल आता है ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी का। मतलब फीचर्स का जो एडास फीचर वगैरह रहता है और रोड असिस्टेंस लेन असिस्टेंस जो टेक्नोलॉजी रहता है ना, वो सब फीचर का और एडवांस लेवल में ये गाड़ी है एस्टर MG Aster। यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रिक MiFa 9, ये तो भाई बहुत ही लग्जरी गाड़ी लग रही है मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि काफ़ी लंबी है ये। दिखाता हूँ मैं साइड से प्रोफाइल इसका, देख सकते हो आप काफ़ी लग्जरी कार जैसे किया करने वाला था उस तरह का ये। लग्जरी वाला गाड़ी लग रहा है ये, पूरा प्योर लग्जरी कार है ये। यहाँ पे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से जो गाड़ियाँ चलती है वो है यहाँ पे। यूनिक 7 करके कॉन्सेप्ट कार है ये, ये भी प्योर लग्जरी कार है, मतलब किया करने वाले जैसे आता है उस सेगमेंट की गाड़ियों के लिए ये लग्जरी कार। थर्ड जनरेशन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फ्यूल सेल सिस्टम है उसका पूरा टेक्नोलॉजी दिखाया है कि हाइड्रोजन फ्यूल का कैसे यूज़ किया जाता है। अभी हम यहाँ से रैप अप करते हैं। ये जो MG का फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काफ़ी तगड़ा है, ग्लोबली ये लॉन्च हो चुका है बट इंडिया में स्टेशंस कम है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों के कॉन्सेप्ट पे चलता है, इसके लिए कम से कम 1000 स्टेशन होने चाहिए चार्जिंग, मतलब स्टेशन इसके, ताकि ये गाड़ी को चार्ज कर सके। तो ये था MG का पूरा हमने दिखाया कॉन्सेप्ट कार। नेक्स्ट चलते किसी और हॉल पे जहाँ पे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे बताएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भी कुछ जानकारी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए ज़रूर। मिलते हैं आपको आगे।